नमस्कार दर्शक मित्रों, तमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ जिले की पुलिस ने 31 दिसंबर को लेकर जांच प्रक्रिया तेज करते बलसाड़ और वापी से नस्लबाजों को दर्द पहुंचा। वापी में युवती की छेड़खानी करते फटकार लगाने वाले परिवार पर किया गया हमला। अब समाचार विस्तार से। बलसाड़ सिटी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान टेम्पो ट्रैवल में नवसारी के 13 युवाओं को शराब के नशे में पकड़ा। बलसाड़ जिला पुलिस द्वारा 31 दिसंबर को लेकर जिले में हाईवे और कोस्टल हाईवे पर वाहन चेकिंग सख्त किया गया है। ऐसे में पुलिस ने 24 चेक पोस्ट और शहर के मुख्य मार्गों पर सख्ती से जांच की जा रही है। तो बलसाड़ सिटी पुलिस ने सिविल मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान एक टेम्पो ट्रैवलर नंबर GJ21Y9200 में 16 व्यक्तियों का चेकिंग किया गया था, जिसमें से 13 व्यक्तियों को शराब के नशे में पकड़ा गया था। बलसाड़ सिटी पुलिस ने नवसारी के 13 शख्सों के सामने नशे का केस कर सिविल अस्पताल में मेडिकल करवा कर आगे की जांच शुरू की है। बलसाड़ एलसीबी पुलिस ने वापी JADC 4 रस्ता होटल पैराडाइज के अंदर से शराब के नशे में धुत 2 आरोपियों को पुलिस ने दर्द पहुंचा। पुलिस अधीक्षक बलसाड़ द्वारा जिले में वाहन चेकिंग की स्पेशल ड्राइव रखी गई हो। पुलिस इंस्पेक्टर LCB वलसाड़ की सूचना और मार्गदर्शन मुताबिक LCB स्टाफ वापी क्षेत्र में प्रोहिबिशन गुना को लेकर पेट्रोलिंग में थे। उस दौरान वापी JIDC 4 रस्ता होटल पैराडाइज के अंदर टेबल नंबर 2 के ऊपर से आरोपियों श्री कृष्णन वेलाधन कनन उम्र वर्ष 55 साल निवासी ड्रीम्स बिल्डिंग रूम नंबर 2 मूल निवासी केरला और लक्ष्मीकांत सुके यादव उम्र वर्ष 50 साल मूल निवासी जैनपुर UP जो खुलेआम शराब के नशे में बकवास कर रहा था, साथ ही विस्की की बोतल 2 मोबाइल फोन का मुद्दा माल मिलते पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। उसके वाले अपने को कुछ मालूम नहीं पड़ता, उसका पॉकेट में था, पॉकेट में तो पुलिस वाला आया तभी अपने को मालूम पड़ा था। अपने मालूम ही नहीं पड़ता है, कोई भी पॉकेट में रखा तो अपना मालूम कैसा मालूम पड़ता है, मालूम पड़ेगा ही है ना। घर में बैठा था, पॉकेट में रखा तो अपने को मालूम कैसा पड़ेगा, पॉकेट में क्या रखता है, कोई कस्टमर कॉल क्या लेके आता है, अपने कुछ मालूम नहीं पड़ता ना सर। लेके आता है कोई भी आपका पॉकेट में क्या क्या अपने को कैसा मालूम पड़ता है सर, आपका पॉकेट में क्या क्या लेके आता है अपने को कैसा मालूम पड़ता है सर, कुछ मालूम पड़ता है। CCTV चालू है, CCTV में सब मालूम है, साहब को भी दिखाया था। वापी में छेड़खानी करने वाले युवक को फटकार लगाते इन शख्सों द्वारा पति पत्नी और उनके लड़के के ऊपर हमला कर हाथ पैर तोड़ दिए गए। वापी के डुंगरी फलिये में रहते और टेलर का काम करते अशरफ अली ने 3 दिन पहले सीटी बजाकर अपनी लड़की की छेड़खानी करने वाले एक शख्स को फटकार लगाई थी। इस फटकार के बाद छेड़खानी करने वाले शख्स ने छोटू पठान नाम के एक शख्स को फोन करने पर 6 जितने लोग घटनास्थल पर आकर अशरफ अली पर हमला किया था। सलिए जैसे हथियारों से अशरफ अली को हाथों में, पैरों में और सीने में गंभीर तरीके से वार कर चोटें पहुंचाई थी, जिन्हें बचाने के लिए गए उनकी पत्नी और लड़के को भी गंभीर तरीके से घायल किया था, जिसके बाद ये शख्स फरार हो गए थे। अशरफ अली को तुरंत ही वापी के निजी अस्पताल में, उसके बाद बलसाड़ सिविल अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया था। घटना के बारे में डुंगरा पुलिस थाने में जानने योग्य शिकायत देते पुलिस ने तुरंत 3 आरोपियों को राउंड अप किया था। रोड पे जा रहे थे, फिर हल्का फुल्का झगड़ा हुआ, उसके बाद में उसने फोन किया तो छोटू पठान गाड़ी से आए, 6 लोग थे, आके घोड़ों से उतार के फिर तुरंत मारना चालू किया। इनोवा गाड़ी से आए थे, छोटू पठान उनका नाम है, बोले छोटू पठान मेरा नाम है, फिर राड से हमला कर दिए तुरंत। ये पूरा पैर हाथ टूट गया है पूरा, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है। 3 लोगों को किस किस को मारा है? लड़का है मेरा, औरत है और हम। और क्यों मारा था? वही जो छेड़खानी के उसमें वो लड़के लोग गाली दे दिए उसके वजह से। बलसाड़ जिला में बढ़ रहा है कोरोना का कहर। पार्टी DCO स्कूल में छात्र के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते अब लैब टीचर का भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आते स्कूल परिवार में फैली चिंता।
बलसार जिले में कोरोना महामारी की तेज गति ग्राम पंचायतों के चुनावी वक्त में फैलने के लिए बेचैन बनी थी और गाइडलाइन भी जैसे भूल गए हो। किसी को एहसास भी नहीं था कि अभी कोरोना बेचैन बना है, तो अब धीरे धीरे फिर से एक बार कोरोना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो पार्टी के DCO स्कूल में विद्यार्थिनी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब लैब शिक्षिका का कोरोना केस भी पॉजिटिव आते स्कूल परिवार चिंता में गिरा है। वैसे तो स्कूल में कक्षा 11 और 12 के छात्रों को 2 दिनों की छुट्टी दी गई है, दूसरी ओर लैब टीचर को भी 15 दिनों के लिए छुट्टी दी गई है। साथ ही अन्य टीचरों और छात्रों के सैंपल भी लिए गए हैं और आवश्यक कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। संघ प्रदेश दादानगर हवेली में गौ ऋषि दंत सरनानंद महाराज ने विश्व को गौ सेवा का संदेश देकर सत्संग में बहाई गौ भक्ति गंगा। संघ प्रदेश सिलवासा से दुनिया को गौ सेवा का संदेश बुलंद दिया है। गौ ऋषि स्वामी दत्त शरणानंद महाराज ने गौ महिमा का बखान करके भाविक भक्तों को गौ सेवा को प्रभु सेवा समान बताया। गौ ऋषि ने सनातन संस्कृति में गौ पालन के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि गौ सेवा का फल भक्तों को बहुसागर पार कराता है, तो आने वाले दिनों में गौ सेवा का संदेश लेकर यात्रा भी निकाली जाएगी। गौरतलब है कि नरोली मार्ग पर आए स्वामी नारायण मंदिर में गौ महिमा पर सत्संग का आयोजन भी हुआ था, जिसमें सिलवासा वापी और आसपास के भाविक भक्त उपस्थित रहे थे। ऐसी गौ माता जिसने धरती को अपने सिंगों पर धारण कर रखा है, कई वैज्ञानिक विज्ञान पढ़ने वाले लोग बात करते हैं कि गाय के सिंग पर धरती कैसे आ सकती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट था, उसमें ऐसा आता है कि गाय अपनी दो धुरियों पर टिकी हुई है, जिस पर 24 घंटे पृथ्वी दो धुरियों पर टिकी हुई है, जिस पर 24 घंटे अपनी कक्ष में घूमती रहती है। इतनी बड़ी पृथ्वी की तो धुरियाँ किसने बनाई? और आप गाय के दो सिंगों को देखिए, बिल्कुल धुरी की तरह दिखाई देंगे, बीच में वाली पृथ्वी खड़ी हो जाए। आप कल्पना करके देखिए कि एक गौमाता बड़े सिंग वाली, उसके जो सिंगों का नोक है उसके बीच में पृथ्वी खड़ी हो जाए, तो जो ग्लोब हमें जगह जगह पड़ा दिखता है, पृथ्वी घूमती हुई दिखाते हैं, किस प्रकार पृथ्वी अपने कक्ष में अपनी धुरी पर घूमती है, वो बिल्कुल गौमाता के सिंग जैसा है। लोक प्रसिद्ध गोसेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जो आज विश्व के समक्ष एक वटवृक्ष के रूप में गोसेवा की क्रांति को, गोसेवा की चेतना को, गोसेवा की ज्वाला को पूरे विश्व में न केवल प्रज्वलित किए हुए, अपितु उस सेवा से न जाने कितने लोगों ने पूरे भारतवर्ष से समूचे विश्व में गोसेवा, गोभक्ति, गो संरक्षण, गो संवर्धन, गो संपोषण के नए नए उपक्रमों को प्रारंभ किया है। आज ऐसे गोसेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, उसके संस्थापक परम श्रद्धेय गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, जिनकी मंगलमयी उपस्थिति इस सिलवासा की पावन भूमि पर हुई है। सिलवासा, वापी, दमन, दादरा इत्यादि जो यहाँ के आसपास के 5-7 गांव हैं, इन क्षेत्र में गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा से जुड़े हुए जो गोभक्त हैं, उनके आग्रह पर यहाँ पर यह गोसेवा सत्संग सभा का आयोजन हो रहा है। और इस सभा का एकमात्र यही उद्देश्य है कि गाय सुखी हो, गाय की सेवा में प्रत्येक आस्तिक जनमानस लगे, और तो और गाय के लिए प्रत्येक व्यक्ति गोग्रास के रूप में कुछ अर्पित करे, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, आहार में, उपासना में, औषधि में गाय के गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, इनका किन्हीं किसी न किसी रूप से निश्चित रूप से उपयोग हो, ऐसा भाव लेकर के हमारे महाराज जी यहाँ पर आए हैं। और यहाँ के सभी गोभक्तों में अत्यंत उत्साह और उमंग एवं जोश सबके हृदय में व्याप्त है। उसका कारण केवल यही है कि वे गोसेवा को लेकर के न केवल बाहर से अपितु हृदय से उत्साहित रहते हैं। और यहाँ के लोगों में, गुजरात में भी, यहाँ जो सिलवासा इत्यादि में जो छोटे छोटे शहर होने के बाद भी यहाँ के लोगों में जो उत्साह है वो निश्चित रूप से अत्यंत ही सराहनीय है। गोधाम पथमेड़ा द्वारा ये गोमहिमा सत्संग प्रवास 3 महीने की अवधि का आयोजित हो रहा है, जिसमें पूज्य महाराज जी के साथ साथ हमारे
गोधाम पथमेड़ा के वरिष्ठ ट्रस्टी, सभी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख इस यात्रा में सम्मिलित हैं, जो गोसेवा के लिए अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को, अपने से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति को न केवल प्रेरणा देते हैं, उन्हें उत्साहित करके गोसेवा में लगाते हैं। इस भाव को लेकर के पूज्य महाराज जी की यात्रा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, बंगाल और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए फिर पुनः राजस्थान में प्रवेश करेगी। होली तक यह यात्रा आयोजित हो रही है और पूरे देश में गोसेवा की, गोभक्ति की क्रांति जगे, इसी पावन उद्देश्य को लेकर के यह यात्रा हो रही है। और मैं आपके माध्यम से यह सभी गोभक्तों को निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल में जितनी पीड़ा। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। बलसाड़ जिले की पुलिस ने 31 दिसंबर को लेकर जांच प्रक्रिया तेज करते बलसाड़ और वापी से नस्लबाजों को दर्द पहुंचा। वापी में युवती की छेड़खानी करते फटकार लगाने वाले परिवार पर किया गया हमला। दादानगर हवेली में 411 कर्मचारियों को अचानक से नौकरी से किया गया निलंबित। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।